हमेशा कोई छोटा सपना नहीं देखो, ये नहीं समझो कि हम छोटी जगह से हैं तो हम सपने नहीं देख सकते हैं। जब आप बड़ा सपना देखोगे फिर ही आप उसके लिए हार्ड वर्क करोगे और फिर ही वो अचीव होगा। और गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सर्टेन डिस्ट्रक्शंस इन योर लाइफ, यही आपकी लाइफ का जो क्रिटिकल फेज होता है 11th और 12th, देन आपकी ग्रेजुएशन, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ योर करियर। सो काइंडली डेडिकेटेड काइंडली ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा तो इंटरनेट मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, मेरी प्रिपरेशन सारी इंटरनेट से हुई। लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इससे इस टाइम जितना दूर रह सको उतना रहो और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। मेरी बेटी ने आज हमें खुशी दिखाई, इसी तरीके से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस वक्त इस फील्ड में हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, अल्लाह की उनको मदद हासिल हो। They have achieved great success, name and fame, as well as high human values. आज मैं आप सबको यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे अपना टाइम याद आ रहा है। मेरी बेसिक स्कूलिंग सारी भदरवाह से हुई है, जैसे मैम ने अभी बोला मैंने 10th तक ग्रीन मॉडल एकेडमी भदरवाह से स्कूलिंग हुई। या मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट ही नहीं, मैं हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो अगर आज मैं यहाँ पे आके आपको बोल सकती हूँ तो मुझे लगता है हर एक बच्चे में पोटेंशियल है कि वो कल को कोई बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करे। तो मैं बहुत जल्द आप सबको कोई बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करते देखना चाहती हूँ और मैं उस दिन बोलूँगी कि नहीं, ये मेरे स्कूल की लड़कियाँ हैं। करोगे? रिलेट कर पा रही होंगी, हम सब ने 9th, 10th, 11th, 12th की NCERTs पढ़ी हैं। इन्हीं बुक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यही बुक्स इंसान पढ़ के क्वालिफाई करता है। इसलिए अभी से अपना ड्रीम बिग रखो और मेहनत करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। अब आप सोचोगे 2 दिन 10 दिन, नहीं 2 साल 3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ट्रस्ट मी एंड पे रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आज मुझे अपना बहुत खुशकिस्मत लग रहा है कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ा है वहाँ मुझे इतनी इज्जत से बुलाया गया, इतना प्यार दिया गया, इतनी इज्जत दी गई। इसलिए थैंक यू सो मच सर फॉर इन्वाइटिंग मी। I think it is the first time that Gourmet Girl High Secondary School is organizing such a beautiful ceremony for facilitating a CAS qualifier. It has almost been 4 years that I qualified CAS examination, but still thank you. आज जब वारिस सर मुझे वहाँ वेलकम करने के लिए बैठे तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। अच्छा इसलिए फील नहीं हुआ कि वो मेरे से बहुत बड़े हैं। He is the person and almost all the teachers here are the person. They are the force behind our success. फोकस होता है ना जो 11th और 12th, दिस इज द स्टेज वेयर द फर्स्ट स्लैब ऑफ योर करियर इज बिल्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज होती है लाइफ की। आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट, ये मैटर करता है। जब क्योंकि ग्रेजुएशन तक मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास सेकेंड हैंड मोबाइल भाई के होते थे। ऑल दैट नो मैटर, आपके पास फर्स्ट हैंड है, अच्छी बात है। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपका 50-60% जो है वो इसी से काम निकलता है। तो ये मेरे कहने का मतलब जो 11th एंड 12th है, दैट इज द फर्स्ट स्लैब ऑफ योर करियर, काइंडली बिल्ड इट ऑन अ स्ट्रांग फाउंडेशन। ये मैसेज एक ही है, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, यही एक मैसेज है आई थिंक जो फॉलो करना चाहिए। हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। जिस तरह हम अपनी मेहनत से, गाइडेड टीचर्स की गाइडेंस से, पेरेंट्स की कोऑपरेशन से, सबकी अप्रिसिएशन से आज इस मकाम तक पहुँचे हैं, सबको जो अपना जो प्राइम मोटिव और फोकस जो स्टूडेंट लाइफ का होता है वो हार्डवर्क होता है। आई थिंक हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। डोंट गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाई सर्टेन डिस्ट्रक्शंस इन योर लाइफ, यही आपकी लाइफ का जो एक क्रिटिकल फेज होता है 11th और 12th, देन आपकी ग्रेजुएशन, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ योर करियर। सो काइंडली डेडिकेटेड, काइंडली डू इट विद ऑनेस्टी। पहले तो मैं इधर स्टाफ का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि मैंने यहीं से 11th 12th की अपनी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवाह से, तो आज मुझे यहाँ बुला के इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मैं इस वक्त कोई मैसेज देना चाहूँगी तो यही कहूँगी कि हार्डवर्क करो एंड ऑलवेज ड्रीम बिग। हमेशा कोई छोटा सपना नहीं देखो, ये नहीं समझो कि हम छोटी जगह से हैं तो हम सपने
नहीं देख सकते हैं। जब आप बड़ा सपना देखोगे फिर ही आप उसके लिए हार्ड वर्क करोगे और फिर ही वो अचीव होगा। और जो भी जैसे मैम ने, फरत मैम ने बोला कि अभी बहुत सी ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ा तो इंटरनेट मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, मेरी प्रिपरेशन सारी इंटरनेट से हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस रखता है। तो जैसे मैंने अभी वहाँ पे भी असेंबली में भी बोला कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इससे इस टाइम जितना दूर रह सको उतना रहो और अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। क्योंकि इस टाइम जब आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को इतना प्राउड फील करते हुए देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि मैं डबल मेहनत करूँगा। तो मुझे लगता है हर एक पेरेंट ये डिज़र्व करता है ये खुशी देखना, और बच्चों को तो चाहिए ही कि इतना हार्ड वर्क करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। मैंने एक आखिरी सवाल, भद्रवाह को केरला ऑफ जेम के कहा जाता है, क्या लगता है भद्रवाह की बेटियां जो है वो मकाम वापस गिरा रही हैं भद्रवाह? अब ये तो अभी दिख ही रहा है कि जो केस रिजल्ट आया, मैंने अभी तक जो सुना है 4 बेटियां हो गई हैं भद्रवाह से सिलेक्ट। तो ये तो है ही एक, मुझे लगता है भद्रवाह ने ही वो वाला स्लोगन ज़्यादा हाईलाइट किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि इस टाइम बेटियों ने ही नाम रोशन किया है। तो और ये सही कहा, सिर्फ J&K का केरला नहीं कहा जाता है, सेकेंड केरला ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, क्योंकि ये है ही पोटेंशियल यहाँ पर बहुत है बच्चों में। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के इतना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं तो मुझे लगता है हर एक बच्चे में बहुत पोटेंशियल है यहाँ क्वालिफाई करने के लिए। बस थोड़ा हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए और बेसिक फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है भद्रवाह का हर एक बच्चा को बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है। मैम, एनजीओ की तरफ से आपको इनवाइट किया गया, तो कैसा फील हुआ यहाँ पर आके आप अपने टीचर्स से मिले और यहाँ स्टाफ से मिले और वो सब पुराने मोमेंट्स आपको याद आए होंगे, तो थोड़ा सा शेयर करें। नहीं, ये तो मुझे लगता है ये जो सिविल सोसाइटी ने हमें आज यहाँ पे इनवाइट किया था, तो ये अब हमारे लिए तो है ही एक प्राउड की बात है, हमारे लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी जो बच्चियाँ देख रही थी, ये एक मीडियम बना उनको डायरेक्ट हमसे इंटरेक्ट करने का। तो अगर यहाँ पे 200 लड़कियाँ असेंबली में थी, मुझे लगता है अगर दो भी मोटिवेट हो गई होंगी मेरी और फरत मैम की बात सुन के, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। थैंक यू सो मच। हाल ही में है जो है आपकी बच्ची ने केस क्वालिफाई किया है, क्या ये चीज़ मान लें कि जिंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी आपको मिली है बीइंग अ फादर? इसमें शक नहीं है कि हर माँ बाप का ये सपना रहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़े। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान रहा कि मेरी बेटी ने जो मैं स्ट्रगल की, जो प्रिपरेशन की, अल्लाह ने उसमें पूरा साथ दिया और उसको कामयाबी से नवाजा। मेरी ये ख्वाहिश है कि जैसे मेरी बेटी ने आज हमें खुशी दिखाई, इसी तरीके से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस वक्त इस फील्ड में हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, अल्लाह की उनको मदद हासिल हो और वो बच्चे इसी तरह से कामयाबी हासिल करें और अपने इलाके का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और माँ बाप का नाम जो है ऐसे ही रोशन करें। सर, यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप एक उस्ताद भी हैं और मुझे फक्र है कि आप मेरे भी उस्ताद हैं, क्या मैसेज रहेगा जनरेशन के लिए? असल में एक उस्ताद के नाते यहाँ ये जो स्कूल है, यहाँ मैंने ज़िंदगी के 12 साल दिए हैं और यहाँ का दरो दीवार इस बात का शाहिद है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम देने की, और शायद उसी का सिला आज मुझे अल्लाह ने मेरी बेटी की कामयाबी के शक्ल में मुझे दिया। यहाँ का जो बच्चा है उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे, मैं इस वक्त जम्मू में ड्यूटी दे रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ वहाँ के बच्चों और यहाँ के, मुझे यहाँ के बच्चे बहुत पोटेंशियल वाले लगते हैं। ज़रूरत है यहाँ प्रॉपर गाइडेंस हो, ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम यहाँ हो ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले, बच्चे जो हैं आनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी तालीम जारी रखें। उनका जब सपना अगर बड़ा हो तो इंशाल्लाह कामयाबी भी उनको वैसी ही मिलती है। तो यही मेरा मैसेज है कि सभी बच्चों को कि वो अपनी तालीम पे इस वक्त पूरा साथ दें, जितना वो इस वक्त तालीम को इज्जत देंगे उनके इन रिटर्न उनको वैसा ही फल मिलेगा और ऐसी कामयाबी उनको आगे मिल सकती है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का जिन्होंने हमें परमिशन दी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भद्रवाह के लिए जो हमारी बच्चियों ने हाल ही में ये KS क्वालिफाई किया। इसमें हमारी बेटी एक इंशा थी, दूसरी हमारी ए फारहत खान, हमने इनको इनवाइट किया और ये यहाँ पे आ गए। हमारा मकसद यही है
कि हमारी बच्चियां जो यहां पे पढ़ती है इनको एक मोटिवेशन मिले, जो इन्होंने आज यहां पे अपनी मोटिवेशन स्पीच इनके सामने रखी। और हमारा मकसद ही यही है कि बेटियों में भी जज्बा ऐसा पैदा हो इनको देख के कि कल को ये इन बच्चियों में से और अगले साल के लिए तैयार हो। अगर मैं कहता हूँ 10 बेटियाँ भी हमारी और KS या IS में आ जाए तो इस भद्रवा को 4 चांद लग जाए। यही मकसद हमारी यूथ एक्शन कमेटी का हमेशा होता है कि एक यहाँ पे एजुकेशन मजबूत हो, यहाँ की बेटियाँ आगे आए, यहाँ के बेटे आगे आए, यहाँ डेवलपमेंट हो और यहाँ तरक्की हो।